हमारा शरीर एटम से बना है, और जो शिव योगी हैं, जो सिद्ध हैं, उन्होंने इस रहस्य को जाना कि अपने भीतर जो एटम्स हैं उसको किस प्रकार से खोला जाए, किस प्रकार से जागृत किया जाए, जिससे अपार शक्ति को वो उत्पन्न कर सके। जो मंत्र है, मंत्र जो है वो पहला, वो एक शब्द है। जो भी कुछ बोला जाता है किसी ना किसी भाषा में बोला जाता है, तो पहला चीज है उसकी भाषा। भाषा को अगर परिवर्तित करते हैं तो वो है शब्द। शब्द के भीतर जब शक्ति डाल दी जाए, और शक्ति तभी डलेगी जब उसको उत्कीलित किया जाएगा, जब उसको खोल दिया जाएगा। शब्द जो है ताला और चाबी में बंद है, उसको जब उत्कीलित किया जाता है तो वो नाद का रूप धारण कर लेता है। और वो जो नाद है, जब उसमें शक्ति डाल दी जाती है तो वो जो है शक्ति का रूप धारण कर लेता है। और वो शक्ति इतनी विस्फोटिक होती है, तुरंत फलदायिनी होती है। और वो शक्ति को जब हम जागृत करते हैं तो वही देवता का स्वरूप धारण कर लेती है। अब जितने भी मंत्र शास्त्र के ग्रंथ हैं, चाहे वो दुर्गा सप्तशती ही क्यों ना हो, ये कहा गया है कि गुरु बिन गति ना हो। ये कहा गया है कि ये ताला और चाबी में है। वास्तव में ऐसा है नहीं। कुछ चीज ऐसी है जो शब्द में लिखी जा सकती है, जो शब्द से एक नक्शा बना करके दिखाया जा सकता है, लेकिन जब इस थर्ड डायमेंशन से ऊपर उठना हो, जब शक्ति के भीतर प्रवेश करना हो, तब आपको दूसरी शक्ति की आवश्यकता है। जैसे दिए को जलाना है, मैं खूब ग्रंथ भर दूं कि ऐसी माचिस होती है, ऐसी तीली होती है, ऐसी आग होती है, और ऐसी आग लगा देनी चाहिए, दिया जलेगा, आप खूब पढ़ लो, दिया नहीं जलेगा। तो उस दिए को जलाने के लिए आपको वो दिया चाहिए जिसमें अग्नि पहले से ही प्रज्वलित है। उसी प्रकार से जो शक्ति साधना है, ग्रंथों में हर कुछ उल्लेख है, लेकिन वो किलित कह देते हैं। किलित यानी कि कोई फायदा नहीं है, उस मंत्र को पढ़ लो कोई फायदा नहीं है, गुरु चाहिए। गुरु का मतलब वो दिया जो जला हुआ है, और वो जला हुआ दिया दूसरे बुझे हुए दिए को जलाने की क्षमता रखता है।